Uh, इसका फर्दर लेट लेट्स एट सोलूशन ये हमने कैलकुलेट uh, कर लिया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है मार्च के वो थर्टी एट यूनिट्स है और वर्क फोर्स जो हमें चाहिए मार्च में दैट इज़ अगेन थर्टी एट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट सिक्स बाय 8 बाई एट आवर्स विच आर अवेलेबल पर वर्कर तो उससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास सेवन पॉइंट सिक्स वर्कर्स आए आ, क्योंकि सेवन पॉइंट सिक्स हम सच नहीं वर्कर्स रख सकते तो हमने उसको राउंड ऑफ कर कर एट वर्कर्स के ऊपर कैलकुलेशन अपनी की है इस बेसिस के ऊपर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज फाइव डॉलर्स पर यूनिट पर मंथ सब कॉन्ट्रैक्टिंग इस प्लान के अंदर हमने यूज नहीं करना विच वॉज यूज इन द प्रीवियस प्लान

लेबर आर्स टू प्रोड्यूस अट इज वन पॉइंट सिक्स आर्स पर यूनिट हायरिंग कॉस्ट और ले ऑफ कॉस्ट इसमें हमने यूज़ नहीं करनी तो इसलिए उसको हम इधर इंक्लूड नहीं कर रहे इसके अंदर जो हमने कैलकुलेशन की है प्रीवियसली हमने सब कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ किया था अब हम ओवर टाइम को यूज़ कर रहे हैं तो ओवर टाइम के बेसिस के ऊपर हमारे पास जो इसमें चीज़ आ रही है दैट इज मिनिमम डिमांड इज 38 यूनिट जो कि मार्च में है इट इज़ 800 हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी डेज तो वो 38 आ रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स 38 एट मल्टीप्लाई बाई वन पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई इज एट वर्कर्स हैं एंड रेगुलर प्रोडक्शन हमारी 880 यूनिट्स आ रही है जनवरी के लिए जो कि एट वर्कर्स काम कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एट आवर्स पर डे तो वो सिक्सटी फोर आवर्स हो गए डिवाइड बाय वन पॉइंट सिक्स अस फोर्टी यूनिट्स पर डे की प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी टू अस एट हंड्रेड एंड एटी यूनिट्स जो कि जनवरी के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी तरह हमारी बाकी जो है उसके अंदर ओवर टाइम हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं जनवरी अप्रैल मई और जून के अंदर ये नंबर ऑफ यूनिट्स हम ओवर टाइम में जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे कैलकुलेशन में है दीज आर दोज नंबर और इसके बेसिस के ऊपर हम इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे दूसरा तरीका जैसे मैंने सब कॉन्ट्रैक्टिंग केस में भी बताया था इज बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म से निकल सकते हैं एट uh, वर्कर्स है आठ आर्स पर वर्कर हम पर डे यूज कर रहे हैं डिवाइड बाय 1.6 पॉइंट सिक्स दैट 40 फोर्टी यूनिट पर डे की प्रोडक्शन एंड देर आर 124 एंड uh, डेज तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4960 यूनिट uh, की प्रोडक्शन पूरे प्लानिंग होराइजन के अंदर इन हाउस प्रोडक्शन आ रही है और ओवर टाइम हम जो टोटल डिमांड है सिक्सटी टू हंड्रेड उससे हम ये माइनस कर दें तो हमारे पास वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी यूनिट ओवर टाइम के अंदर प्रोडक्शन हो रही है अब इसके जो आर्स में अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें ओवर टाइम प्रोडक्शन ये क्योंकि यूनिट्स में था तो उसको आर्स में कर लें तो इट इज वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी मल्टीप्लाई पॉइंट सिक्स क्योंकि 1.6 पॉइंट चाहिए पर यूनिट तो वो हमारे पास आता है 1984 थाउजेंड और आपको जैसे याद होगा कि जो कॉस्ट वाइज ये हमें पड़ रही थी सेवन डॉलर पर आर की कॉस्ट तो उससे बेसिस के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ओवर टाइम की कॉस्ट है वो थर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी एट बनती है विच इज 1,984 मल्टीप्लाई बाय सेवन डॉलर पर आर और रेगुलर टाइम लेबर विल बी सेम एज जो हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला प्लान था उसके मुताबिक है क्योंकि आठ वर्कर्स हैं वही हैं इन्वेंट्री भी वही हमने रखी हुई है 400 की और उसको हमने सम कर लिया तो हमारे पास 53,968 डॉलर्स की कॉस्ट आ रही है इस प्लान की अब हम अगर देखें इन तीनों प्लान को हम कंपेयर करें तो उसके अंदर जो हमारा पहला प्लान था जो कि इन्वेंट्री यूज कर, कर हम डिमांड को मीट कर रहे थे तो वो हमारी कॉस्ट आ रही थी फिफ्टी एट थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी डॉलर जो हमारा सेकंड प्लान था जिसके अंदर हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूज कर रहे थे तो उसकी कॉस्ट आई है फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी डॉलर एंड थर्ड प्लान इन विच वी यूज ओवर टाइम टू मीट एक्सेस डिमांड वो हमारी आ रही है फिफ्टी थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट डॉलर और तो इसके अंदर अगर हम देखें तो प्लान नंबर टू गिव्स अस द लोएस्ट कॉस्ट और इसका मतलब है कि इफ द थर्ड पार्टी जो हम जिसको देंगे ये प्रोडक्शन के लिए तो वो अगर क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता क्वालिटी वो हमारे मुताबिक देता है तो देन सेकंड प्लान इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल जो कि हमें यूटिलाइज कर लेनी चाहिए लेकिन अगर क्वालिटी का इशू है तो फिर हमें वी हैव टू थिंक ओवर एंड ये हम कर सकते हैं कि 1500 के क्लोज तो हमारा डिफरेंस बन रहा है बिटवीन प्लान टू एंड प्लान थ्री तो हम ओवर टाइम को यूटिलाइज कर कर हम अपनी प्रोडक्शन इसकी डिमांड मीट कर लें लेकिन उसके अंदर फिर ओवर टाइम के अंदर इशू आ जाता है कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी उधर भी इफेक्ट हो सकती है अगर ओवर टाइम कुछ ज़्यादा हो जाए तो वो हमें ये बाकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी बट एज फार एज द कॉस्ट इज कंसर्न प्लान नंबर टू is the best option available for us.